Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. Today 11 February 2019 Monday है. हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और अभी सुबह के 8:04 हो रहे हैं. लास्ट वीक हमने देखा था कि निफ्टी ने नया हाई बनाने की कोशिश की थी, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक करने की कोशिश की थी. हालांकि एंड ऑफ द वीक ये फिर से उसी लेवल के पास आकर क्लोज हुआ जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था. तो अभी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हो चुकी है, बड़ा इवेंट बजट सेशन जो था ये भी हो चुका है. तो अभी चार्ट हमें क्या सजेस्ट करता है, क्या पॉसिबिलिटीज दिखाता है ये देखेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस यानी फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे और ग्लोबल मार्केट के हालात भी देखेंगे. तो ये एक पिक्चर है 8 फरवरी यानी फ्राइडे का दिन, आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है. अगर उस दिन का आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी. तो फ्राइडे के स्ट्रेटेजी के हिसाब से ब्रेकआउट लेवल हमारा बन रहा था 11,110 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,027. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. तो जैसे ही हमारा ये ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर टूअर्ड साउथ की तरफ ब्रेक हुआ तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 11,002 ये अचीव्ड हुआ और उसके बाद सेकेंड टारगेट 10,961 ये भी अचीव्ड हुआ. तो फ्राइडे के स्ट्रैटेजी के हिसाब से अराउंड 60 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 45,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं. अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स नासडैक फ्राइडे को उसमें थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया. डाउ जोन्स 63 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट देखे तो वहां पर भी प्रेशर दिखाई दिया, सभी लाल निशान में बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्के जापानीज इंडेक्स 418 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चाइना मार्केट वहां पर हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है. हांगकॉन्ग मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 46 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी और एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल 27.5 की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. वीकली डेली और 60 मिनट के चार्ट का एनालिसिस करेंगे और इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाएंगे. यह है वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का. जैसे कि आप देख रहे हैं यह लास्ट वीक का कैंडलस्टिक है. ये 61.8% का ये जो लेवल था इस डाउनफॉल का, ये 61.8% का ये जो लेवल था इसने रेजिस्टेंस का काम किया. हालांकि ये पेनेट्रेट हुआ है, 11,118 का हाई लगाया लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया. तो ये जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हैं ये अगर आप एनालाइज करें तो ऊपर ये काफी बड़ी टेल छोड़ दिया है इसने. यानी जो भी शुरुआत में इसमें बढ़त बनाई थी वीक के शुरुआत में, वो एंड ऑफ द वीक इसने पूरी बढ़त गवा दी और जहां पर ये ओपन हुआ था उसके आसपास आकर क्लोज हुआ है. तो अभी जो 50% का 10,882 ये लेवल जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो अभी सपोर्ट का काम कर सकता है. ठीक है, तो अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमें टूवर्ड्स साउथ की तरफ मुंह दिखाई दे सकता है. 10,882 ये फर्स्ट सपोर्ट है, बाद में 20 ईएमए 10,800 के पास है और ये जो 50 ईएमए है जो 10,675 के पास है, ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है. ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो अभी ये वीकली चार्ट, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक कैंडल एक वीक का कैंडल हमें प्रेजेंट कर रहा है, ओपन हाई लो और क्लोज. अभी इलेक्शंस आने के लिए ऑलमोस्ट 15 वीक्स बाकी हैं. ठीक है, तो अगर ये जो लेफ्ट यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि डाउन ट्रेंड का सिंबल है, ये पॉसिबिलिटीज है. ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता. अभी ये चार्ट हमें यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा पैटर्न बन सकता है. तो यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है, ये है हेड और ये अभी राइट शोल्डर यहाँ पर बन रहा है. अगर ये टूवर्ड्स ऐसा नीचे आता है साउथ की तरफ तो यहाँ पर एक नेक लाइन बनती है, ये जो नेक लाइन है, और ये अगर ब्रेक होगी तो हमें जबरदस्त निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है. 10,000 के लेवल्स भी टूट सकते हैं. ये पॉसिबिलिटीज है, ये ऐसा चार्ट हमें अभी सजेस्ट कर सकता है, ये पैटर्न बन सकता है. लेकिन अगर यहाँ से अगर मल्टीपल ये जो सपोर्ट्स है यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट करके, अगर यहाँ से ये सपोर्ट टेस्ट करता है
और यहाँ से ये जो लेवल है लेफ्ट शोल्डर का, ये जो हाई है 11,171 के पास, ये अगर ब्रेक करता है यहाँ पर और यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐसे पैटर्न बनता है, तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ डाउनफॉल आता है तो यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है जो कि डाउन ट्रेंड का सिंबल है। इन्वर्टेड, इसका उल्टा पैटर्न आता है तभी वो अप ट्रेंड का सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, ठीक है। तो बी केयरफुल, कॉशियस रहे, ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, ये चार्ट हमें सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा कंसोलिडेशन पैटर्न काफी कम टाइम निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और अभी मेन ट्रिगर पॉइंट है इलेक्शंस का, तो एनडीए की सरकार अगर आती है, बहुमत से आती है, तो हमें कुछ यहाँ पर एक अपसाइड जर्नी दिखाई दे सकती है। हालांकि जैसे 2003 में देखा था हमने, एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद थी, लेकिन अपोजिट पार्टी का जो अलायंस था वो सरकार में आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है ऐसा ही होगा, ऐसा मान के चलना काफी सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी कॉशियस, अलर्ट रहिए, ठीक है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में तो अभी पैटर्न यहाँ पर बुलिश बन रहा है 20, 50, 100, लेकिन जो ये अपसाइड मूव आया था, कंटिन्यूस 5 ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पर बुलिश कैंडल बना था, और उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो 20 EM है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट 50% का रिट्रेसमेंट का लेवल आ रहा है। तो 10,870 ये नेक्स्ट सपोर्ट लाइन हो सकता है, फिर 50 और 100 ये कंबाइन सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए 50 और 100 जो कि 10,800 के पास है। तो 10,870 और उसके बाद 10,800 ये सपोर्ट लेवल्स है, अभी मेजर सपोर्ट लेवल्स। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ सकता है निफ्टी इंडेक्स, और ऊपर में ये जो 11,089 और 10,985 ये दो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था दोजी टाइप का कैंडल स्टिक बना था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इवनिंग स्टार टाइप का ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ी और गिरावट देखने को मिले, हालांकि सपोर्ट टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक होता है या नहीं ये देखना होगा। ये है डेली चार्ट का सीनारियो फिलहाल। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये है 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ता है तो ये जो पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, जहां पर ये 100 EMA का भी मूविंग एवरेज आ रहा है एज पर आर्ली चार्ट, तो ये अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,869, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट 10,854 का होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर निफ्टी इंडेक्स बढ़ता है तो हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट लेवल होगा, ब्रेकआउट लेवल ये 11,024। अगर इसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स, तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,053, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और फिर सेकंड टारगेट 11,085 का होगा, ठीक है। तो ये थी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी निफ्टी इंडेक्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।